पीके सिंह। आज हम लोग इंटरफ्रेंस के अप्लीकेशन पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरी के बारे में बात किए थे, बट कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने है कि दो स्लिट हैं, सोर्स ऑफ सिमेट्री नहीं है, कहीं अलग रखा है, बट हाँ ये है कि ये डिस्टेंस डी है और ये स्मॉल डी है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। बट ये गिवन है क्वेश्चन में कि डी जो है मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अच्छा, सबसे पहली बात, मैक्स पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए अब बताइएगा पार्ट डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि S2P ग्रेटर देन है S1P से, तो वही लिखेंगे और क्या, कि मान लो ये डी है, ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा, √2D। तो S और इसके बीच की डिस्टेंस प्लस S2P माइनस √2D प्लस S1P। अच्छा ध्यान से देखिएगा, डी माइनस √2D, यहां पे हम इस चीज को अलग कर लेते हैं, S2P माइनस S1P। अच्छा इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये डिस्टेंस होता था हम लोग का डी साइन थीटा, ठीक है। अब इस चीज को हम यहां रख देंगे, डी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √2 प्लस डी साइन थीटा, और आपको पहले बताया गया कि एंगल जो है बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा नियर अबाउट इक्वल टू टेन थीटा होता था, और उस केस में ये वाई नॉट अपॉन कैपिटल डी आया होता, तो डायरेक्ट ये वैल्यू यहां पे हम रख देंगे। अच्छा, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता था एल लैम्डा, जीरो ऑर्डर कह रहा है तो इसलिए यहां पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, 1 माइनस √2 प्लस डी वाई नॉट अपॉन कैपिटल डी। अब इसको इधर लाएंगे तो ये √2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी डी वाई नॉट अपॉन कैपिटल डी। अब ये बात आपको ध्यान देनी है कि वाई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 माइनस 1 कैपिटल डी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि इस पॉइंट पे जाके हमारा जीरो ऑर्डर मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर की करते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको ध्यान देना होगा कि अब जो है सोर्स कुछ इस तरह है। अच्छा, जब पहले YDSC पढ़े थे उसमें याद रखिएगा इसका लोकस हाइपरबोला बनेगा, बट इसका लोकस जो है कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, ये दिमाग में रखे रहिएगा। तो फिलहाल पाथ डिफरेंस बताना है, तो पाथ डिफरेंस वही है, रास्तों का डिफरेंस अंतर। आपको दिख रहा है यहां पे S1P ग्रेटर देन S2P है, तो हमें कुछ करना नहीं है, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना ऐसे, ठीक है बेटा। और आपको पता है कि अगर ये थीटा है, ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, इतना ही ये ज्यादा है। तो फिलहाल पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या आएगा, अब देखिएगा S1P माइनस S2P और इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी कॉस थीटा। अब यहां एक लॉजिक लगेगा, कॉस थीटा का जो सीरीज, एक बात करते हैं हम आपसे, ध्यान समझिएगा कि टेन थीटा अगर बहुत एंगल छोटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, और ये देख के लग रहा है आपको वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बात ये, कॉस थीटा एक सीरीज होता है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। बट हमें सिर्फ इतने से मतलब है, यानी कि 1 माइनस थीटा स्क्वायर फैक्टर 2 की वैल्यू 2 होती। अब ये वाली वैल्यू यहां रखें हम थीटा की, तो माइनस का 1/2 वाई अपॉन डी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू उठा के हम यहां रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं 1, लिख देंगे पुट इन 1। तो उस हिसाब से आप देखिए बड़ा प्यारा सा इसमें आएगा कि
पार्ट डिफरेंस क्या होगा, डी कॉस थीटा डी वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर, बहुत प्यारा सा पार्ट डिफरेंस आएगा। अगर बोलता है मैक्सिमा मिनिमा तो इसकी वैल्यू एन लैम्डा या एन माइनस वन बाई टू लैम्डा रख के जो भी कहेगा वो कर देंगे। फिलहाल हमें पार्ट डिफरेंस इसका कंसर्न था वो हमने कर दिया, ठीक बेटा। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, एक बार एक टीचर एक बच्चे ने पूछा हमसे कि अगर सर दो स्लिट की जगह सिंगल स्लिट लगा दें तो क्या होगा, तो डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन लॉयड एक थे वो मिरर का ऐसा अरेंजमेंट किए कि जिससे एक दो रियल सोर्स की जगह एक रियल सोर्स एक वर्चुअल सोर्स लिया गया, तो उसे लॉयड मिरर अरेंजमेंट कहते हैं। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं इंटरफेरेंस में। तो इंटरफेरेंस को समझने का एक तरीका और देखिएगा, लॉयड साहब थे, इन्होंने क्या किया कि यहाँ मिरर रख दिया। अब क्या है, जो लाइट यहाँ से जा रही है वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँच रही है ऐसे ये वाला, तो इसको पीछे ला रहे हैं, तो ये जो S1 है मतलब हमें जो कोहरेंट सोर्स चाहिए होता था उसमें से एक गायब हो जा रहा है मिरर की हेल्प से, तो ये हमको पीछे ला रहे थे, यहाँ कट कर रहा, अच्छा यहाँ से लाइट यहाँ से फिर जा रही है ऐसे और फिर इसको हम पीछे मिला रहे हैं। तो फिलहाल आपको समझना क्या है कि जो काम वहां पे दो सोर्स कर रहे थे वहां पे यहाँ पे एक ही सोर्स और एक मिरर कर दे रहा, बस दूसरा वाला जो सोर्स है हमारा वो वर्चुअल है। यहाँ बस दिमाग में बात रखनी है कि जैसे ये लाइट आ रहा है ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो इस वाले से इस वाले पोर्शन में लाइट नहीं जा रहा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं ऐसे। यहाँ पे YDSC में जब हम पढ़ रहे थे जब दोनों सोर्स रियल था तो सेंटर पे ब्राइट बन रहा था, बट ये बात बस इतना याद रख लेना है कि यहाँ पे सेंटर पे डार्क बनेगा, जैसे वहां सेंटर पे मैं क्या था कंस्ट्रक्टिव बन रहा था, या बोलते हैं आप बोल सकते हैं सेंट्रल पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनता था, ऐसे यहाँ पे सेंटर पे क्या बनेगा डार्क फ्रिंज बनेगा, बस इतना दिमाग रखना आपको। तो फिलहाल आप देखिएगा हम इसमें आपको एक बात अच्छा बड़ा अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट निकल के आएगा और वो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इंटरफ्रेंस थ्रू थिन फिल्म या इन थिन फिल्म में, थिन फिल्म या जैसे किसी पानी के ऊपर हम ऑयल डाल दें तो उस पर कलर आते हैं तो वो क्यों होता है इंटरफेरेंस के, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, पहले हम आपको बताते हैं क्या है कि जब लाइट यहाँ पे आ रही है और ऐसे जा रही है, यहाँ से आ रही है ऐसे जा रही है, तो पाथ डिफरेंस निकालने से पहले हम ये मान लेते हैं कि मिरर हमारा जो है वो परफेक्ट मिरर है, मतलब कि जितनी लाइट ऐसे आ रही जिस इंटेंसिटी की उसी इंटेंसिटी की लाइट जा रही है। तो अगर हम बात करें सपोज करिए हमारा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो डिस्ट्रक्टिव में जब इसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी सेम होगी तो ये मान चलिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी जीरो, तो यहाँ पे फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, अब देखेंगे सब जीरो हो जाएगा, कॉस फाइव बाई टू की वैल्यू जीरो आ रही है यानी कि कॉस 90 आ रहा है, कॉस 90, तो यहाँ से आप देखेंगे कि फाइव की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री या इसको पाई रेडियन भी कह सकते हैं। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जब कोई लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो पाथ डिफरेंस होता है 180 डिग्री होता है। बहुत बड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और उस केस में बेटा पाथ डिफरेंस क्या होगा आप समझ रहे होंगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा फाई इक्वल टू होता है। तो अगर हम यहां पे पाई रख दें तो 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल एक्स, और यहां से आप पाई से पाई कट जाएगा तो यहां से हमारे पास एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आएगा और वो क्या आएगा बेटा लैम्डा बाई टू, यानी कि अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेस 180 का और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें दो बातें याद रखनी है कि इंटेंसिटी क्या होती है जीरो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में,
पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू और फेस डिफरेंस हमारा 180 का होता है और सेंटर पे जो सबसे लास्ट पॉइंट सेंटर पे इसमें डार्क फ्रिंज बनता है। तो इसका एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि सेंटर पे फर्स्ट मिनिमा कहाँ होगा। तो बेटा एक बात बताइए पाथ डिफरेंस क्या होगा हमारे पास। अब सेंटर पे क्या बन रहा है मिनिमा, तो मिनिमा कहाँ बनता है डिस्ट्रक्टिव पे इंटरफ्रेंस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए ये फार्मूला हम लोग पढ़े। अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा पार्ट डिफरेंस हमारा होता था, अगर आपको पहले वाले लेक्चर से याद होगा हमारे पास ये होता है वाई स्मॉल डी की जगह हम यहां पे 2D लेंगे। याद रखिएगा जितनी दूरी पे यहां से ये उतना ही हमारा इमेज बनेगा डी, इसलिए 2D। और स्क्रीन यहां से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है वो कैपिटल डी, जैसे पहले पढ़ते आए हैं वैसा कुछ नहीं, बस इतना यहां पे वो है कि पहले हम स्मॉल डी लेते थे, अब चूंकि ये डी है इसका जस्ट डबल हो जाएगा 2D अपॉन कैपिटल डी। और यहां पे अगर सेंटर की बात कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा 1/2 लैम्डा। अब आप देख लीजिएगा यहां से वाई की वैल्यू क्या आएगी 1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2D सॉल्व करेंगे तो लैम्डा डी अपॉन 4D आ जाएगा। तो बड़ा प्यारा सेंट्रल पे जो ब्राइट आ रहा है उसका पोजीशन हम निकाल दिया। तो ये हमारा लॉयड मिरर अरेंजमेंट है। मुझे होप है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। बट ये वाला लाइन आप मत भूलिएगा कि व्हेन इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू एंड फेस डिफरेंस 180 डिग्री होता है। ठीक बेटा, धन्यवाद। मुझे लगता है आपको समझ में आया।